बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे हैं आप सबकी दुआओं से। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पार्क से। तो फ्रेंड्स पार्क को आए हमें मैं और बच्चे भी हैं साथ में, और फ्रेंड्स यहाँ देखो सोफिया और समुद्र भी खेल ले को ही, और मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स कोना को ही हमारे दो जने हमारे साथ और दो जने आ को ही। तो फ्रेंड्स कौन दो जने आ को ही मैं वो भी बोलती हूँ। तो उसके वास्ते क्या करो, हमारा व्लॉग जो है पूरा कम्प्लीट वॉच करो फ्रेंड्स, और थोड़ा वेटिंग कर लो। मैं बोलती हूँ कोना को ही और उनको भी मैं तुम्हारे से मिलाती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बच्चे खेल ले को ही, और इनो जो ही सोफिया के फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनो सोफिया के फ्रेंड्स, इनो ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ मिलती हैं उनको, नहीं जब कभी भी पार्क जाते हैं तो ये बच्चे भी खेल ले को रहते हैं। तो ऐसा इनो फ्रेंड्स बन गए इनो न्यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बच्चे भी जो ब्लू स्कार्फ पहन लेके हैं वो पार्क के बाजू में 600 घर है इनका, और ये बच्चे का घर भी वहाँ 600। तो फ्रेंड्स इन्हों खेल ले को ही। हाजिरा गिरजा चनको आजा, हाजिरा नको गिरजा चे, ओय 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 ओय, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स अब्बा हमारे फ्रेंड्स हमारे अम्मी और अब्बा दोनों भी आको हैं, और फर्स्ट टाइम आई सो हमारे नए घर को। तो फ्रेंड्स अम्मी अब्बा दोनों भी आके बहुत अच्छा लग गया ऐसो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स अब्बा ही अम्मी ही, तो ऐसा सच मैं इनको दोनों को भी चलो पार्क को जाकर ये करो मैं बुला ले कहीं सो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अम्मी अब्बा ही, तो कुछ तो स्पेशल पकाना था बिरयानी पकाना करके सोची, तो एक गोश्त उठा को देखी तो मैं पूरा आइस हो गए। तो फ्रेंड्स इसे मैं कहीं सा जल्दी मैं इसे मैं मेल्ट करूँ करके सोची, क्या भी आइडियाज मिले नहीं। तो फ्रेंड्स हमें सभी क्या करते थे, पहले पानी में डाल को रख डालते थे, तो क्या होता जल्दी गोश्त जो है हमारे आइस से अलग किच नहीं होता था। तो उसके वास्ते फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही यूज़फुल टिप लगा हूँ, तो इसे क्या करो पूरा कंप्लीट वॉच करो फ्रेंड्स। मैं बोलती हूँ इसे कैसा हमें सिर्फ 2 मिनट में हमें इसे कैसे डिफ्रोस्ट करना कर को। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दो भी मैं ये गोश्त रख ली हुई हैं, तो फ्रेंड्स इतने घटी पत्थर के सर के हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इसे मैं सिर्फ 2 मिनट में कैसे डिफ्रोस्ट करना मैं बोलती हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप देख लियो ख्याल से। तो फ्रेंड्स ये जो है मैं एक बाउल में ले ली हूँ नमक, जो बारीक नमक जो सॉल्ट है बारीक वाला सॉल्ट ये ले लूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये सॉल्ट लेको क्या करना है, गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना फ्रेंड्स, अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना, जो भी होल्स सभी होल्स में भी फिल कर ले को, इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अप्लाई कर लियो, और जो है वो गोश्त को भी मैं इसी तरह मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो देख लेना फ्रेंड्स जैसे मैं कर रही हूँ वैसा करो, अच्छी तरह से नमक को नमक क्या करो गोश्त को अप्लाई कर लियो। तो फ्रेंड्स इसे भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये गोश्त को पूरे गोश्त को भी मैं नमक अप्लाई कर लियो। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है, तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकेंड स्टेप है ये है मैं पानी गर्म करने रखी हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना, और नॉर्मल स्टेज में रहना मीडियम में। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ऐड करूँ फिर से नमक, जो बारीक नमक है, आप चाहे तो मोटा नमक भी ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये बारीक नमक मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। ऐड करने के बाद में जब हमारा पानी गर्म हो गया, तो फ्रेंड्स ये जो नमक वाला पानी है मैं इसमें गोश्त में इस तरह से मैं ऐड कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा ऐड करना कि हमारा जो गोश्त है पूरा पानी में डिप हो जाना, पूरा डिप हो जाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स गोश्त को गोश्त के ऊपर मैं पानी ऐड कर लूँ, और मैं इसे एक प्लेट भूज डाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखेंगे 2 मिनट या फिर 5 मिनट भी लग जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं खोल को देखिए, तो देखे तो वो अपने आप जो है गोश्त अलग अलग हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए ये एक पीस रह गया, थोड़ा सा ये लक्को है ये। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं ऐसा घचीटे तो क्या होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेहनत भी कुछ भी लग करने की नहीं पड़ी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स पूरे गोश्त के टुकड़े क्या हो गया ऐसा सेपरेट सेपरेट वो अपने आप खुद धोगी ना। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती जब तक हमारे बिरयानी का मसाला रेडी हो गया, टमाटो प्याज सभी काट को रेडी हो गया था फ्रेंड्स, तब तक वॉच टाइम में हमारा गोश्त भी पूरा आइस से अलग अलग हो गया। तो फ्रेंड्स इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर ले रही हूँ 2-3 वाटर में। तो फ्रेंड्स ये गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर ले को मैं बाद मिलती हूँ।
और ये देखिए फ्रेंड्स ये थर्ड टाइम का पानी है, तो हमारा गोश्त अच्छी तरह से क्लीन भी हो गया फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं कि गर्म पानी डालने से गोश्त का कलर क्या भी चेंज भी नहीं हुआ, गोश्त जैसे कि हमें फ्रेश लाते हैं वैसा अच्छे फ्रेंड्स। और इस गोश्त से मैं पकाती हूँ बिरयानी, तो फ्रेंड्स बिरयानी पकाने के बाद भी मैं मिलती हूँ, और फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स अम्मी अब्बा खाना खा ले को बिरयानी खा ले को चले गए, और ये देखिए बर्तन आए, और ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारा बर्तनों का जो बेसन है ये गंदा नहीं एक्चुअली, ये जो है ये खारे पानी के स्टेन्स ये और मार्क्स हैं जो खारे पानी के, अब भी ज़्यादा थे फ्रेंड्स, मैं इसे वॉश करके इतना क्लीन करी हूँ ये। तो फ्रेंड्स ये धीरे धीरे देर से जाते हैं, रोज़ रोज़ वॉश करते रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं बिरयानी भी दिखाती हूँ तुम ना, यहाँ देखो फ्रेंड्स बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्ट हुई थी बिरयानी की। और फ्रेंड्स बिरयानी जो है रखी हूँ मैं, अब हमें भी खाना खाने का है। तो फ्रेंड्स अम्मी अब्बा गए, और अम्मी अब्बा उन्हों गए सो 8 o'clock हो गए, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये डब्बे में है सो सूखा कबाब, ये डब्बा धो ये खाद से खोल लेंगे तो डब्बा चोपन नहीं हुआ ये दिखाएंगे का, तो फ्रेंड्स इसमें है सो ड्राई कबाब ये। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये है ब्रेड, जो घर के पास जने बेच ले को आए थे तो उनके पास से मैं ले ली है 25 rupees पैकेट ये ब्रेड की। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहाँ एंड करती हूँ, बिकॉज हमें भी खाना खाने का, और यहाँ बच्चे भी FA1 की तैयारी कर ले को ही उनको पढ़ाने का है फ्रेंड्स। और आज का ये ब्लॉग कैसा लगे फ्रेंड्स, और जो टिप्स थे जो मटन डीप रोस्ट करने का वो भी कैसा लगे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए, और अपने फैमिलीज में फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।